आज हम लोग हिंदी में पाठ आठ झूठा अभिमान पढ़ेंगे। देखिए पाठ आठ झूठा अभिमान, आप लोग भी अपनी बुक खोल लीजिए। बच्चों इस पाठ में आपको अभिमान न करने के लिए कहा गया है। इस कहानी के माध्यम से बताया गया है कि हमें झूठा अभिमान नहीं करना चाहिए, झूठा अभिमान चूर हो जाता है। यह अभिमान कैसे चूर होता है यह हम इस पाठ को पढ़कर जानेंगे। सूरज प्रातः काल पूर्व दिशा में उदय होता है और सायंकाल पश्चिम दिशा में अस्त हो जाता है। सूरज के निकलने से दिन तथा छिपने से रात होती है। वह हमें प्रकाश देता है, गर्मी देता है। सूरज न होता तो शायद हम सब भी न होते, है ना बच्चों? सूर्य ही हमें सब कुछ देता है। सूर्य के जगने से जब सूर्य निकलता है तो दिन होती है, जब सूर्य छिपता है तो रात होती है। सूर्य के प्रकाश से ही पेड़ पौधे बड़े होते हैं, उसमें फल फूल लगते हैं और हमें भी सूर्य के निकलने से ही आराम मिलता है। अगर सूर्य ना हो तो इस संसार में कुछ नहीं होगा। इस तरह हवा का हमारे जीवन में विशेष महत्व है। इसी तरह हवा भी हमारे जीवन में विशेष महत्व रखती है। हवा में हम सब सांस लेते हैं, हवा के बिना हम जीवित नहीं रह सकते। अतः सूरज और हवा दोनों ही हमारे जीवन के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। एक बार सर्दी का मौसम था, धूप में खड़े लोग भी ठंड से कांप रहे थे। लोगों को कांपते देखकर हवा को घमंड हो गया। उसने सूरज से कहा, देखो सूरज देवता, आप उस आदमी को देख रहे हैं जो अपने शरीर से कंबल लपेटे है। हवा बोलती है, सूरज देवता आप उस आदमी को देख रहे हैं जो अपने शरीर से कंबल को लपेट रहा है। सुनसान सड़क पर एक व्यक्ति अकेला चला जा रहा है। आज हम दोनों का फैसला हो जाए कि हम दोनों में से कौन सबसे ज्यादा महान और शक्तिशाली है, तुम या मैं। तो बच्चों हवा को अपने ऊपर अभिमान था, इसलिए वो सूरज देव से इस तरह का सवाल करती है। सूरज ने कहा, हम दोनों का अलग अलग काम है, इसलिए तुम्हें अपनी शक्ति पर अभिमान नहीं करना चाहिए। हवा ने कहा, मैं अभिमान न करूं, यदि आप मुझसे अधिक बलवान हैं तो उस आदमी से कंबल उतरवा दीजिए, जो उतरवा दो। जो भी उस आदमी के शरीर से कंबल उतरवा देगा वही हम दोनों में शक्तिशाली और महान समझा जाएगा। हवा क्या बोलती है सूरज देव से? बोलती है कि हम दोनों में से जो व्यक्ति उस आदमी के शरीर पर से कंबल उतरवा देगा वही व्यक्ति हम दोनों में से अधिक शक्तिशाली होगा। सूरज ने कहा, पहले तुम ही कोशिश करके देख लो। सूरज बोलते हैं कि पहले तुम ही कोशिश करके देख लो। यह सुनकर हवा बहुत तेज चल पड़ी। हवा को तेज चलते देखकर उस आदमी ने अपना कंबल अपने शरीर से पूरा लपेट लिया। यह देखकर हवा को क्रोध आ गया और वह और तेज चलने लगी। फिर जैसे तैसे तेज हवा तेज होती गई, वैसे वैसे आदमी कंबल को अपने शरीर से कस कर लपेटता चला गया और वह एक पेड़ से चिपक कर खड़ा हो गया। पूरी ताकत लगा दी पर यात्री ने अपना कंबल नहीं उतारा। हवा ने अपनी पूरी ताकत लगा दी लेकिन उस यात्री ने अपना कंबल नहीं उतारा। हवा हार कर रुक गई। अब सूरज देव की बारी आई। उसने अपनी चमक बढ़ाई, गर्मी बढ़ती गई, यात्री पसीना पसीना हो गया। वह फिर एक पेड़ की छाया में जा बैठा। हवा बिल्कुल रुक चुकी थी, यात्री में चलने की हिम्मत नहीं थी, बैठकर भी चैन न आया। उसने अपने शरीर से कंबल उतारा, अंत में कपड़े भी उतार कर पसीना पोंछने लगा। जब सूरज देव की बारी आई तब उन्होंने अब हवा को दिखाने के लिए अपने ताप को बढ़ा दिया। उस आदमी ने अंत में अपना कंबल यहाँ तक कि अपने कपड़े भी उतार दिए। यह देखकर हवा का घमंड चूर हो गया। हवा ने सूरज को प्रणाम किया, फिर कभी अभिमान
निश्चय किया। इसके बाद हवा अपनी गति से चलने लगी, आदमी भी अपने रास्ते पर चल पड़ा। तो बच्चों, हमें इस कहानी से यही सीख मिलती है कि हमें अपनी शक्तियों पर घमंड नहीं करना चाहिए, क्योंकि हर व्यक्ति अपना अपना काम करता है और उसका अपना अपना स्थान होता है। सूरज को तो हम लोग भगवान मानते हैं, अगर वही ना हो तो ये पूरा संसार नहीं होगा। आप अपना ये पाठ बहुत अच्छे से पढ़िएगा और इसके बाद हम लोग अपना सब दर्ज लिखेंगे, ठीक है। देखिए बच्चों, सूरज सूरज का है सूर्य, सांस श्वास, हिम्मत हिम्मत का साहस, प्रातः प्रातः सुबह, नफरत विनी, सर्दी ठंड, निराशा जला निराशा से उत्पन्न। फिर इसी बात है बलवान, बलवान का हो गया ताकतवर, प्रकाश रोशनी, प्रणाम नमस्ते, सायंकाल शांत। इस तरह से आपका शब्द हो गया। आप इसको अपनी हिंदी की कॉपी में लिख लीजिएगा और अपना पाठ ये जरूर पढ़िएगा, ठीक है। थैंक यू।